हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते, कैसे आप सब? बढ़िया, चलो मेरा भी एकदम झक्कास। आज के इस वीडियो में हम आपको चाइना के कुछ बेहद ही चौंकाने वाले आविष्कारों के बारे में बताएंगे। कहते हैं दुनिया में चीन एकमात्र ऐसा देश है जहां हर कुछ मुमकिन है। यहां किसी भी चीज की नकल बनाने में बस मिनटों का वक्त लगता है। आप यूं कह लें कि नकल की संस्कृति चीन की रगों में दौड़ती है। वैसे क्या आपको पता है कि प्रकृति अध्ययन के कई क्षेत्रों में चीन पहली सदी से लेकर 15वीं सदी ईसा पूर्व तक पूरी दुनिया का अग्रणी रहा है। आपकी कल्पना से इतर दुनिया में अनगिनत प्राचीन आविष्कारों में चीन का बड़ा योगदान रहा है। आइए जानते हैं चीन के कुछ प्राचीन आविष्कारों के बारे में जिनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खास योगदान है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और बगल में जो घंटी है ना, जरा उसे भी दबा देना। नंबर 5, सिल्क। सिल्क यानी रेशम का आविष्कार चीन ने ही किया था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2100 साल पहले ही चीन ने शानदार रेशम बनाने में महारत हासिल कर लिए थे। तब पश्चिमी देशों के रईसों को ये इतना भाया कि वो रेशम के बाहर जितना सोना देने को तैयार थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि जिस रास्ते रेशम का परिवहन किया जाता था उसे सिल्क रोड कहा जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, मैकेनिकल क्लॉक। ऐतिहासिक शोध के अनुसार दुनिया की पहली घड़ी का आविष्कार चीन के यी यिंग नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने किया था। वाई सेंग तांग राजवंश के गणितज्ञ हुआ करते थे ये। वाई की ये घड़ी पानी के बूंद पर काम करते थे। पानी की बूंदें धीरे धीरे घड़ी में लगी कांटेदार पहियों पे गिरती और घड़ी समय बताती। आश्चर्यजनक पहलू यह है कि उस वक्त घड़ी 24 घंटे सटीक समय बताती थी। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया घड़ी के आकार प्रकार में अंतर आया। कई सौ सालों बाद सांग राजवंश के खगोल शास्त्री व यांत्रिक सु सांग ने और भी परिष्कृत घड़ी बनाई जिसे आधुनिक घड़ी का पूर्वज माना जाता है। हालांकि वाई सिंह द्वारा डिजाइन की गई घड़ी की ही तकनीक पर हमारी और आपकी घड़ियों की सुइयां चलती हैं। नंबर 3, शराब। 2000 से 1600 ईसा पूर्व के बीच सिया राजवंश के यीडी और डू कैंग प्राचीन शराब निर्माता हुआ करते थे। रिसर्चों के अनुसार 4-5% शराब की मात्रा वाले एक साधारण बियर का प्राचीन चीन में व्यापक तौर पर उपयोग किया जाता था। इसका उल्लेख कई शिलालेखों में मिलता है। जब शांग राजवंश में बलिदान के वक्त आत्माओं को प्रसाद स्वरूप शराब भेंट की जाती थी। इस दौरान चीनियों को आभास हुआ कि अगर मौजूदा शराब में किण्वन के दौरान पानी में अनाज की मात्रा बढ़ा दी जाए तो शराब और भी जोरदार हो जाएगी। और फिर 1000 ईसा पूर्व में चीनियों ने यह कर भी डाला और मादक पेय में शराब की मात्रा 11% हो गई। 12वीं सदी तक पश्चिमी देशों में बियर में शराब की मात्रा 11% तक नहीं पहुंचे थे। नंबर 2, चुंबकीय कंपास। इतिहासकारों का मानना है कि चीन ने ही चुंबकीय कंपास का आविष्कार किया था और वो इसका इस्तेमाल नेविगेशन के लिए करते थे। वर्ष 1100 में अरब व्यापारी जहाज से चीन यात्रा पर निकले थे, तभी उन्होंने चीनियों को चुंबकीय यंत्र यानी कंपास की मदद से जहाज चलाते हुए पाया था। व्यापारियों ने चीन के इस तकनीक को ध्यान में रखते हुए बाद में कंपास का आविष्कार किया। नंबर 1, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग। इस प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग ने किया था वर्ष 1939 में। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि चीन ने ये तकनीक गुटेनबर्ग की खोज से 200 साल पहले ही ईजाद कर ली थी। इसे तब मूवेबल टाइप प्रिंटिंग नाम दिया गया। सांग राजवंश में बी शेंग नामक व्यक्ति ने हर अक्षर को मिट्टी की मदद से तैयार किया था। बी शेंग ने अक्षरों के ब्लॉक को मजबूती देने के लिए इसे आग में पकाया। इस तरह जिन वाक्यों को कागज पर उकेरना होता, चीनी बी शेंग निर्मित छपाई यंत्र को असेंबल कर छपाई कर लिया करते थे। यही वजह है कि बी शेंग के इस प्रिंटिंग प्रेस को मूवेबल नाम दिया गया। तो भाई, ये थे चीन के कुछ बहुत ही प्राचीन और आश्चर्यजनक आविष्कार। तो आपको इनमें से कौन सा आविष्कार पसंद आया हमें जरूर बताइए कमेंट में, और शर्माना मत, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।